सरकार का नियत खराब है। हिंदुओं के मंदिरों मठों के जमीन को भी कब्जा करना चाहती है। सरकार होती है गरीबों की, जनता की भलाई के लिए। ये मंदिरों मस्जिदों के जमीन नापने के लिए नहीं होती है। ये बिल के माध्यम से ला रही है तो सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार, मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। उधर देखिए लोकसभा में बग वोट की बिल पास होती है, इधर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन के द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है कि बिहार में भी जितने मंदिर और मस्जिद हैं उनकी पंजीकरण होनी चाहिए, उनकी जमीन की पंजीकरण होनी चाहिए। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। मृत्युंजय तिवारी, उधर बग वोट के बिल पेश किया जाता है लोकसभा में, इधर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन मंदिर मठों को लेकर। सरकार होती है गरीबों की, जनता की भलाई के लिए। ये मंदिरों मस्जिदों के जमीन नापने के लिए नहीं होती है। ये कोई काम तो है नहीं। नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी जब सरकार में उप मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख नियुक्ति दिया था और 3 लाख प्रक्रियाधीन हर विभागों का करके आए थे। वो 3 लाख नौकरी कहाँ है, किन किन विभागों में पद रिक्त हैं, क्यों नहीं भरे जा रहे हैं, इस पर सरकार नहीं बात करती। तो एक वहाँ कल तो आपने देख लिया कि विपक्ष की ताकत का एहसास लोकसभा में मोदी जी की सरकार को हो गया। कल जिस तरह से बिल लाया गया और वो बिल पास नहीं हो सका, अब JPC में गया है बिल। तो अब सरकार वक्फ कानून में संशोधन एक सोची समझी साजिश के तहत वो भाजपा ला रही है, ये केंद्र की सरकार। जदयू लोजपा इस ध्रुवीकरण के औजार में सहभागी रहे हैं, कल दिखा है उनका। ये नेता प्रतिपक्ष से तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि ये संविधान विरोधी काम के खिलाफ मजबूती से इंडिया गठबंधन राष्ट्रीय जनता दल है, इसमें मनमानी अब नहीं चलने दिया जाएगा। अब यहाँ जो है ये जून में निकला हुआ लेटर अगस्त में दिखाया जा रहा है। अब आप तो न हिंदुओं के हैं न मुसलमानों के हैं, आप आखिर चाहते क्या हैं? यानी कि सब मंदिर जो है इसका मतलब अवैध है। तो ये सरकार ये सारे विवादित मुद्दों पर ही ध्यान केंद्रित कर रही है। इनको बिहार की जनता की भलाई से मतलब नहीं है, किसानों पर, नौजवानों पर, महंगाई पर, इस पर बात नहीं करेंगे। बिहार को कुछ नहीं मिला बजट पर, इस पर नहीं करेंगे। लेकिन वहाँ तो अब तो JDU पूरी तरह से BJP में समा गई। जो कल उनका चेहरा JDU का दिखा, इस तरह से JDU ने इस बिल का लोजपा ने समर्थन किया है, अब एक्सपोज हो गई है पूरी तरह से दोनों पार्टी। जिधर उधर बग वोट की बिल संसद में पेश की जाती है और इधर बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन कहते हैं मंदिर और मठों की जो जमीन है वो धार्मिक न्याय परिषद में अब रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। भाई हम कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तो ये ज्ञान आज क्यों दे रहे हैं? इसका मतलब सरकार का नियत खराब है। हिंदुओं के मंदिरों मठों के जमीन को भी कब्जा करना चाहती है और उद्योगपतियों पूंजीपतियों को देना चाहती है। ये सरकार वहाँ कोई विद्यालय और अस्पताल नहीं खोलेगी, वो सब वहाँ देगी धन्ना सेठों को और पूंजीपतियों को। तो सरकार की नियत में खोट है मंदिर मस्जिद मठों पर और चाहे वक्फ बोर्ड पर। ये पर जो कानून बने हुए हैं वो सबको पता है, अगर उसमें सरकार अपना ये बिल के माध्यम से ला रही है तो सरकार का कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। ये हिंदुओं के जमीन को भी, उनके मंदिरों को, मस्जिदों को भी सरकार उससे कब्जा करना चाहती है। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार चर्चा।
26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।